अंजीर का फायदा जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उसको सुखाया कैसे जाता है। अच्छी तरीके से पक जाने के बाद उसे तोड़ लिया जाता है और उसमें लगी हुई गंदगी को साफ करके उसे ठंडी पानी पर धो लिया जाता है। अब अंजीर को बीज से काटकर दो भागों में कर लिया जाता है, क्योंकि काटने से अंजीर को सूखने में कम समय लगता है। इसके बाद इसे लकड़ी या तार के रेक पर रख दिया जाता है। इसके अलावा इसे धूप पर भी लटका कर सुखाया जाता है, जिससे दोनों तरफ से वो अच्छी तरह से सूख सके। और इसी तरह 2 से 3 दिन तक किया जाता है और इस दरमियान इसे बार बार भी पलटते रहना पड़ता है। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद अब इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में जाते ही इसे कंटेनर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो खराब अंजीर को अलग कर देता है। इसके बाद इसमें अच्छी चमक लाने के लिए केमिकल वाटर से भी धोया जाता है। धोने से ये गीली हो जाती है और इसे दूसरी बार हीटिंग मशीन द्वारा सुखाया जाता है। और इसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है तो इसका गुच्छे बना लिए जाते हैं, फिर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। अंजीर खाने के फायदे तो बहुत सारे हैं ही, लेकिन कुछ लोग इसे खाने का तरीका को लेके गलती कर जाते हैं। और जिनको भूख बहुत लगती है वो दिन भर खाना तो खा नहीं सकते, तो उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि छोटा छोटा करके अंजीर को चूस चूस कर खाएं। और जिनको वजन बढ़ाना है वो इस बात को जरूर ध्यान दें कि वो अंजीर को रात में गर्म दूध के साथ खाएं, जिसका रेगुलर सेवन से आपको जल्द ही असर दिखने लगेगा। अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे आधा गिलास पानी में रात भर भिगो कर छोड़ दें और उसे सुबह नाश्ते में अच्छी तरीके से चबा कर खाएं। और जिन्हें ब्लीडिंग की समस्याएं होती हैं वो अंजीर को खाना खाने के बाद 1 या 2 अंजीर ही खाएं। और अंजीर में 3 तरह के रस होते हैं, मीठा, खटमीट और कसीला, जिसे आप ज्यादा मात्रा में भी खाते हैं तो आपको नुकसानी हो सकता है। अगर अंजीर खाने के बाद वो ना पचता हो तो उसे हरण या सूंड के साथ खाना चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से पचाव हो सकता है। और इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि जिनका खून ज्यादा गर्म हो जाता है या फिर उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है तो उन्हें अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। और पत्ते लोगों के लिए फायदेमंद तो है ही इसे दूध के साथ खाने पर। हालांकि अंजीर अगर सबसे पहले किसी चीज का फायदा पहुंचाता है तो वात और पीत, जिसके लिए अंजीर खाना मशहूर है। और अगर आपके गुर्दे में पथरी का शिकायत है तो आपको अंजीर से बचना चाहिए। अंजीर खाने से मर्दों की फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है और स्पर्म काउंट में इजाफा हो जाता है। अंजीर में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल, पैटोथेनिक एसिड, कॉपर, फाइबर और विटामिन B6 शरीर को अंदर से मजबूत बना देती है, जो ठंडी के दिनों में दूध में भिगो कर खाने से आपको असर पता लगने लगेगा। अंजीर के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसमें मौजूद कैल्शियम दांतों को और हड्डियों को काफी मजबूत बना देता है और इसके लगातार सेवन से घुटनों और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलता है। अंजीर में केले की तुलना में 80% से अधिक पोटेशियम होती है। हमें केला के बारे में तो पता ही था, पर अंजीर उससे ज्यादा पचाने में मददगार हो सकता है। अन्य फलों की तुलना में इसमें काफी अच्छा मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो ठंडी के दिनों में इसका सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पेट की समस्या हो जाती है। अगर अंजीर में विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन A और B कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है।